सहरसा जिले में छठ पर्व को लेकर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिल रहा है। जहां सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के महकर पंचायत की मुस्लिम समुदाय से आने वाली मुखिया शगुप्ता परवीन के द्वारा बीते 4 वर्षों से गरीब छठवर्तियों के बीच पीतल का सूप वितरण कर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। शगुप्ता परवीन पहली बार मुखिया बनने के बाद अपने पंचायत में इस परंपरा की शुरुआत की थी। यह चौथा वर्ष है जहां शगुप्ता परवीन अपने पंचायत की गरीब निसहाय करीब 200 छठवर्तियों के बीच पीतल का सूप वितरण किया है। वहीं मुखिया शगुप्ता परवीन का कहना है कि गरीब परिवार हर साल बांस से निर्मित सूप खरीदकर छठ करने का बोझ उठाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर पीतल का सूप अपनी ओर से भेंट किया है, ताकि उसे हर बार सूप खरीदने में राशि खर्च नहीं करना पड़े। मुखिया ने कहा है कि यह आस्था से जुड़ा संकल्प है, जब तक सामर्थ्य रहेगा पूरा करूंगी। वहीं माखर पंचायत की मुखिया शगुप्ता परवीन ने 200 छठवर्ती के बीच पीतल का सूप वितरण कर चौथे वर्ष भी इस परंपरा को बरकरार रखने का प्रयास किया है। जी, हम 4 साल से सूप वितरण करते आ रहे हैं और आज हमने 200 सूप का वितरण किया है। आज तक में 900 वितरण हो चुका है, इसलिए हम गरीब गुरबा के बीच जाते हैं। ये महंगाई ज़माना में नहीं खरीद पाएंगे, इसी वजह से हम जो सो गरीब लोगों की कर रहे हैं हेल्प और खरीद करके वितरण कर रहे हैं। और मेरा शौक रहा है कि हम सब के बीच जाएं और आम जनता की सेवा करें और सुख दुख में साथ आएं। क्या नाम है? शगुप्ता परवीन।